डियर कश्मीर, मैं तुम्हें यह ख़त पूरे एक साल बाद लिख रहा हूँ। जब मैंने आखिरी दफ़ा तुम्हें देखा था तो मुझे उस वक्त तुम्हारी अहमियत का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन इस साल जब थोड़े बहुत मुश्किल मरहलों से मैं गुजरा हूँ तो मुझे समझ आई है तुम्हारी अहमियत की। और मुझे ये भी समझ आई है कि इंसान फंस चुका है दुनियावी चीज़ों में, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, पावर, पैसे, शोहरत, इन चीज़ों में फंस चुके हैं हम। तो जैसे ही मैं चीज़ों का सोच रहा था फिर मुझे तुम्हारी याद आई, तुम्हारी खूबसूरत वादियाँ, तुम्हारे फूल, तुम्हारा नीला आसमान और सबसे बढ़ के तुम्हारा सुकून। तो सोचा पुरानी यादें ताज़ा कर लूँ और तुम्हें यह ख़त लिख लूँ। ज़िंदगी में जितना भी मैंने थोड़ा बहुत अभी सफ़र किया उसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। खैर, कश्मीर तुम पर तो यह बात पूरी नहीं उतरती, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हमारा एक वाहिद स्टॉप ही है कश्मीर के रास्ते में, वो है मरी, तो उसकी भी खूबसूरती को थोड़ा सा इन्जॉय ज़रूर किया जाए। आखिरकार ऐसे मौके हर रोज़ तो नहीं मिलते ना। मुझे अभी भी याद है कि मैं मरी के अंदर एक पार्क में, बादलों से घिरे हुए पार्क में, एक बेंच पे बैठा हुआ था तो सोच रहा था कि यार मरी इतना खूबसूरत है तो कश्मीर तुम कितने खूबसूरत हो गए। और इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी मिल गया क्योंकि अगले दिन ही हम मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़े। ख्यालों में गुम मैं रात सहेली पूछो पहेली राजा और रानी कहानी पुरा जवानी मुझे रोक कर है मुस्कुरा।
जाना। इंसानी फितरत है ये, जब भी हम छोटे या मतलब बचपन में होते हैं तो जब भी वो बादलों को देखते थे तो मेरा तो हमेशा से दिल चाहता था कि यार मैं ना इन बादलों के ऊपर किसी तरीके से चला जाऊँ, किसी तरीके से इन बादलों को टच कर लूँ या इनके ऊपर मैं चल पाऊँ। खैर मुझे क्या पता था कि वो मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। कैसे बैठे बैठे सारे गम मुझसे लेकर गए तुम, जैसे जैसे फूलों फूलों सी खुशबू देकर गए तुम। अगले दिन हम निकल पड़े थे केल के लिए, जो कि नीलम वैली के अंदर ही है, और हमारा मुजफ्फराबाद से केल तक का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन सफ़र है। Thank you.
कहाँ रंगों सा जहाँ खो गए हम कहाँ रंगों सा जहाँ कसम से कश्मीर इंसान बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था कि शायद ये व्यू का ही कमाल है, लेकिन जब रात में पिच ब्लैक अंधेरा आपको अपने आगे 4 फीट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो इनर पीस, वो कामिंग फीलिंग नहीं जाती। ये पता नहीं अल्लाह का क्या निज़ाम है, लेकिन कश्मीर कसम से तुम में ही कोई कुछ कुछ ख़ास बात है, क्योंकि वो वाली फीलिंग मुझे ज़िंदगी में फिर से कभी नहीं आई। अगले दिन हमने कश्मीर जाना था अरंगखेल, जो कि अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कश्मीर तुम्हारी सबसे खूबसूरत जगह है, और कसम से आई वॉज़न्ट रेडी फॉर व्हाट वॉज़ कमिंग। तो डेफिनेटली कश्मीर अरंगखेल वॉज द क्लाइमेक्स ऑफ दिस ट्रिप। मैं बस ये ख़त तुम्हें इस वजह से लिखना चाहता हूँ क्योंकि इस ट्रिप ने, तुमसे मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरी आई चेंज्ड एज अ पर्सन, मुझे सुकून का असल मानी पता लगा, मुझे अल्लाह मियाँ की इतनी खूबसूरत क्रिएशंस को देख के मेरा ईमान पक्का हुआ है। मुझे अब समझ आई है कि लोग कहते हैं कि किताबों में वो सबक नहीं है जो कि आप ट्रैवलिंग से और नई जगहों से सीखते हो, लेकिन जगहें तो मैंने थोड़ी बहुत फिरी हुई हैं, लेकिन कश्मीर कसम से तुम जैसी कोई जगह नहीं है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म करे और तुम्हें खुश रखे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अब्दुल्ला खान।